भाजपा विधायक बसन गौड़ा पाटिल यत्नाल ने कहा कि अगर भाजपा कर्नाटक में दोबारा सत्ता में आती है तो वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मॉडल को लागू करेगी। हिंदू और देश के खिलाफ कोई बोले तो पक्का बंदूक की गोली खाना पड़ेगा, कुछ भी अपशब्द बोले तो एनकाउंटर पक्का, ये सड़क पर ही फायर किया जाएगा। उन्होंने ये सारे बयान हुबली जिले के कुंदगोर विधानसभा क्षेत्र के हिरेहर कोनी ग्राम में पूरे लोगों के सामने दिया। हिंदू टाइगर के नाम से मशहूर विजयपुर नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक यत्नाल माइक पर हाथ लगाते ही उग्र शब्द ही निकलते हैं। अब हीरे हर कोने में बोलते हुए उन्होंने हिंदू और देश के खिलाफ बोलने वाले को चेतावनी दी है। बीजेपी के सत्ता में आने पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मॉडल को कर्नाटक में लागू किया जाएगा। यत्नाल ने कहा कि टीपू सुल्तान एक हरामखोर था और कहा था कि टीपू सुल्तान ने लाखों हिंदुओं को मार डाला। अगर राज्य में फिर से भाजपा की सरकार आती है तो टीपू की फोटो हटाकर क्रांतिवीर संगोली रायना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो लगाएं। तीनों छोड़ने वाले कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने आज प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बात की है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस में है जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। मोदी देश की जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने हैं। वे ऐसे मोदी के बारे में हल्की फुल्की बातें कर रहे हैं, इसके बारे में सोचो कहां जनता से। देखिए हुबली से रोहन की यह रिपोर्ट।